मैं प्रोफेसर छत्रसाल सिंह, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज मैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चल रहे बीएड ऑडियल प्रोग्राम के अंतर्गत फोर्थ सेमेस्टर में बीएड, जिसका मेन विषय है लर्निंग एंड टीचिंग, इसके अंतर्गत ब्लॉक फर्स्ट में अंडरस्टैंडिंग लर्निंग टॉपिक है और उसका यूनिट फर्स्ट है लर्निंग कॉन्सेप्ट नेचर एंड टाइप्स, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम अधिगम सीखना का अर्थ, अधिगम सीखने की परिभाषा, अधिगम के प्रकार, अधिगम के नियम, अधिगम या सीखना का स्थानांतरण और अधिगम या सीखना के स्थानांतरण के सिद्धांत, इस बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके द्वारा हम अधिगम के बारे में पूरी जानकारी हमको हो जाएगी और उसकी जानकारी के पश्चात जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए कि जब अधिगम के नियम हम जान जाते हैं, उसके सिद्धांत जान जाते हैं, तो हम बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे हमारे कुछ कमज़ोर होते हैं उनकी डीलिंग कैसे की जाए, हम क्या करें कि उनकी कोई चीज़ जल्दी याद हो जाए, और जो बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं उनको अलग से हम कैसे समाधान शंकाओं का कैसे कर सकते हैं, इन सब के लिए अधिगम के बारे में विस्तृत जानकारी मिलने के पश्चात एक अध्यापक सफल अध्यापक हो सकता है, एक विद्यार्थी एक सफल विद्यार्थी बन सकता है। अधिगम सीखना और लर्निंग, अधिगम को हम सीखना भी कहते हैं और इंग्लिश में से हम लर्निंग कहते हैं। अधिगम क्या है, इसके बारे में सामान्य सी बात है कि सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, जो अनुभव स्वयं के अनुभव है या दूसरों के अनुभव है उनका प्रशिक्षण का परिणाम होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधिगम या सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जब भी कोई अधिगम होगा तो व्यवहार में परिवर्तन भी होगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जलता हुआ चिराग देखता है, धीरे धीरे जाता है, उसके मन में एक जिज्ञासा होती है ये क्या जल रहा है, और उंगली से छू लेता है, उसका हाथ जलता है, उसे कष्ट की अनुभूति होती है और वो तुरंत जान जाता है कि चिराग की लौ हमें जला देती है, तुरंत उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आएगा। कल जब वो चिराग दोबारा देखता है स्वयं वहां से भागता है। अगर वो बच्चा चिराग की लौ को छूने के बाद, हाथ जलने के बाद कल फिर छूता है, तो इसका माने ये हुआ कि कल वाली पहले वाली घटना से उसका अधिगम नहीं हुआ, सीखना नहीं हो पाया, यानी उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई कारण हो सकता है जिसके नाते वो उसका अधिगम नहीं हो पा रहा है। अधिगम जब भी होगा हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन होगा। ये जो अधिगम है हमारा है, इसके बारे में हम कहते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका जो नेचर है ये प्रथम दिन से ही जन्म के पश्चात शुरू होता है और मृत्यु के साथ समाप्त होता है, और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से हम बराबर अधिगम करते रहते हैं। इसका जो नेचर है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहते हैं कि माँ हमारी पहली शिक्षिका होती है और माँ की गोदी पहली पाठशाला होती है जहाँ से अधिगम शुरू हो जाता है। फिर बच्चा माँ की गोदी से बाहर निकलता है, परिवार में है, भाई है, बहन है, सभी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, समाज में जाता है, समाज की जितनी भी घटनाएं हैं जिसको हम कहते हैं अनौपचारिक अधिगम, हम वहाँ पर कोई फीस नहीं लेते लेकिन समाज के हर व्यक्ति बराबर हमको लर्निंग दे रहे हैं, सीखना हो रहा है। अगर क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो 49 के द्वारा हमें लर्निंग होती रहती है। इसलिए कहते हैं कि जितनी भी संसार की वस्तुएँ हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एक पाठशाला के रूप में है और निरंतर हमारी लर्निंग होती रहती है, इसे कर सकते हैं अनौपचारिक अधिगम। दूसरा हमारा औपचारिक अधिगम है जिसको हम जानते हैं, बच्चे को नाम दिखाते हैं जहाँ औपचारिकताएँ होती हैं, जहाँ प्रवेश होता है, एडमिशन होता है, परीक्षाएँ होती हैं, एग्जाम होता है, तो उसको हम कहते हैं औपचारिक अधिगम में लर्निंग होती है। तो दोनों तरह से, लेकिन जब भी अधिगम होगा लर्निंग होगी, हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन होगा, इसलिए कहते हैं अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है अथवा अधिगम अनुभवों का एक संकलन है, या हम कह सकते हैं कि अनुभवों का एक पुंज है।
और हमारे कुछ विद्वानों ने इसको इस प्रकार से परिभाषित भी किया है। जैसे गेट्स व अन्य ने लिखा है, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिकतम है। यानी कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद हमारा व्यवहार में एक परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो स्टार्टिंग उसका जो व्यवहार होता है वो नेचुरल होता है। जैसे हम किसी मेहमान के यहाँ कोई बच्चा गया और छोटा बच्चा है अभी, तो मिठाई सामने आती है वो तुरंत खाने का प्रयास करता है, ये उसका नेचुरल व्यवहार है। वही बच्चा जब कुछ दिन बीत जाता है थोड़ी शिक्षा ले लेता है और सामाजिक व्यवहार को सीख लेता है, तो सीखा हुआ व्यवहार क्या होता है, मिठाई रखी हुई है। जब तक हमारा वहाँ का जो होस्ट है वो कहता नहीं है कि मिठाई लीजिए, हम रुके रहते हैं। कितना भी भूख लगी है, कितना भी प्यास लगी है, जब तक वो कहता नहीं हम नहीं उठाते हैं। एक एटिकेट है, मैनर है, समाज की मर्यादाएं हैं, ये सब धीरे धीरे हम सीखते रहते हैं। जब सीख लिया तो क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से इसी को गेट्स ने कहा है कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगा कि अधिगम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से स्किनर महोदय ने लिखा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यानी हमारा जो व्यवहार है, आज हमने कुछ सीखा, कल और सीखा, तो उत्तरोत्तर हमारे जो हमारा जो सामंजस्य की जो प्रक्रिया है, यानी हम समाज में अनुकूलन जो करते हैं वो बराबर आगे बढ़ता रहता है, तो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। अगर सामंजस्य नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे अधिगम नहीं हो रहा है। फिर क्रो एंड क्रो कहते हैं, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो हमारे हैबिट्स हैं, जो हमारी जानकारियां हैं, जो हमारी टेंडेंसी है, इन सबको हम इकट्ठा करते रहते हैं। इस तरह से जब तक अधिगम होगा दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आगे किम्बले के अनुसार है, पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम कहलाता है। पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप, पुनर्बलन यानी री इन्फोर्समेंट। छोटा बच्चा है, घर में मेहमान आए हैं और वो जाता है, मेहमान का पैर छूता है, सम्मान करता है, ठीक से बात करता है, जब हम वहाँ पर एक पुनर्बलन दे देते हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छे से रहता है, पढ़ाई किया बहुत अच्छा पढ़ता है, ये जो तारीफ कर दिया ये क्या है, पुनर्बलन। अब वो और अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करेगा। इस तरह से रीइन्फोर्समेंट के माध्यम से हम निरंतर बच्चा अच्छे व्यवहार को सीखता रहता है। ये रीइन्फोर्समेंट दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब हम बच्चे की तारीफ करते हैं तो उसको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट मिलता है, लेकिन वही बच्चा जब कोई गलत व्यवहार करता है, जैसे मेहमान आए और गया, मेहमान को नमस्ते नहीं किया, उनका पैर नहीं छुआ, समाज द्वारा मर्यादित यथोचित सम्मान नहीं किया, जलपान नहीं दिया, तो हम उसकी बुराई कर देते हैं, तो उस तुरंत निराश होता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम खराब हो, तुमने गलत काम किया, डांटते हैं, फटकारते हैं। तो क्या होता है, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट, उसके मन में एक आभास हो जाता है कि जो मैंने किया वो गलत था, तो अब उस व्यवहार को दोबारा वो नहीं करेगा। इस तरह से पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट यानी अच्छे कामों को हम बार बार करेंगे, और जो खराब कार्य है, जो बच्चे समाज द्वारा जो कार्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उसको हम धीरे धीरे समाप्त करते चले जाएंगे। इस तरह से हम पुनर्बलित जो अभ्यास है उसके द्वारा व्यवहार की क्षमता में निरंतर एक परिवर्तन होता रहता है, और इसी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। इसके मिलने का ठीक इसी प्रकार से रिले तथा लेविस कहते हैं, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। लर्निंग कई तरह से होती है, तो एक उसका प्रकार ही भी है लर्निंग का, कि बार बार अभ्यास करना, अनुभूति करना। बहुत से ज्ञान हमारे ऐसे होते हैं जो अनुभूतियों से आते हैं, हम बहुत से ज्ञान नॉलेज हमारे ऐसे होते हैं जिसको हमें किसी ने सिखाया नहीं, बच्चा देखता है, अपने आप अनुभूत करता है। रूसो कहता है कि जो प्राकृतिक वातावरण है ये बालक को स्वयं पढ़ाता है, इसके द्वारा स्वयं हम सीखते रहते हैं अनुभूत के माध्यम से। हम कोई चीज़ छूते हैं, ठंडा लगा, हम जान गए बर्फ ठंडा होता है, हमने कोई गर्म चीज़ छुआ गर्म होता है, धूप में बैठते हैं हमको
गर्मी लगी, हम जान गए धूप से हमें गर्मी मिलती है, बरसात में गए भीग गए हम मालूम पड़ गया कि नहीं हम बरसात में भीग जाते हैं। ऐसे ही बिच्छू ने किसी को डंक मारा, हम देखा वो आदमी परेशान है चिल्ला रहा है, हम जान जाते हैं कि भाई बिच्छू डंक मारती है। सांप ने किसी को काटा और वो व्यक्ति मर गया, हम जान जाते हैं सांप विषैला होता है। तो इस तरह से निरंतर हम कह सकते हैं कि अभ्यास और अनुभूति के द्वारा हमारे अंदर बराबर परिवर्तन होता रहता है। अब आते हैं अधिगम के प्रकार या सीखना कितने प्रकार का होता है। इसमें हमारे कई विद्वान हैं, सबके अलग अलग मत हैं। हम पहले आते हैं, आशू बेल ने सीखने के चार प्रकार बताए हैं। पहला है अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि हम बालक स्वयं उसको केवल हम पुस्तक दे दिया, कुछ लिखित सामग्री दे दी और बोल कर बता दिया उसको, और वो स्वयं ग्रहण कर लेता है। नाम ही है अभिग्रहण, यानी बालक स्वयं के द्वारा उसको रिसीव कर लेता है और प्राप्त कर लेता है, ये हुआ अभिग्रहण सीखना। दूसरा है अन्वेषण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग। इसमें हम बालक को मौका देते हैं, वो स्वयं सीखता है अनुभव के द्वारा। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको हम कोई खोज की प्रवृत्ति डेवलप करनी है, मैं कोई बच्चा 2 साल का है, उसे कोई खिलौना है उसके पास, मान लिया पिस्तौल छोटी सी बच्चों की है, खेल रहा है, हम उसको उठाया कहीं छिपा दिया। अब छिपा दिया तो ढूंढेगा, उसको तलाशेगा, इससे उसके अंदर खोजने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जब वो देखा वो कहाँ मिलेगा, देखा कि वो रखा हुआ था तकिया के नीचे, अब दोबारा जब आप छिपाएंगे वो तुरंत तकिया के नीचे पहुंच जाएगा, देख लेगा वहां से, उसको पता हो गया कि आप तकिया के नीचे छिपाते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, मान लिया उसको चाहिए आइसक्रीम चाहिए, अब हमने कह दिया नहीं है घर में आइसक्रीम, ढूंढता है। अब वहाँ डिस्कवरी मेथड अन्वेषण की विधि के द्वारा वो जाएगा, इधर देखा उधर देखा, अनुमान लगाता है, सोचता है कि मेरा ये आइसक्रीम कहाँ रखी होगी, माने फिर जब खोलता है आ गया, दोबारा क्या करेंगे, वो अपने आप जान जाता है कि आइसक्रीम फ्रिज के अंदर रहती है, वहाँ मिल जाएगी। तो हर सामान को इस तरह छोड़ते हैं, अंत में क्या होता है, ये भी बड़ा होता है तो अन्वेषण के माध्यम से और इसी लर्निंग के माध्यम से जितनी भी रिसर्चें हुई हैं, चाहे बल्ब का निर्माण एडिसन ने किया या न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटी को खोजा, या जितने भी हमारे बड़े विद्वान हुए हैं जो भी किया, उसमें उनके अंदर ये अन्वेषण द्वारा सीखना, डिस्कवरी लर्निंग के द्वारा ही सीखा है। अगर जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया तो वो वास्तव में क्या है, डिस्कवरी लर्निंग है। सोचा विचार किया कैसे होगा ऐसे होगा और विश्वास आगे बढ़ते आगे है, इसके माध्यम से हम बराबर सीखते रहते हैं। कोई हमको चाहे बताए या ना बताए, ऐसे ही छोटे बच्चों में छोटी क्लास में 6, 7, 8 में हमने एक रखते हैं आपठित हिंदी साहित्य में। आपठित क्या है, पढ़ाएंगे नहीं लेकिन देंगे बच्चों से सवाल भी उससे पूछेंगे। इसे क्या होता है तो अन्वेषण की प्रवृत्ति उसके अंदर आती है, किसका अर्थ क्या होगा, अपने मस्तिष्क से सोचेगा। जो कोहलर का सूर्य का सिद्धांत है वो यहाँ लागू होता है, दिमाग पर प्रेशर देता है और वो सीखने का प्रयास करता है। हम भी जीवन में बहुत से हाल ऐसे करते हैं कि सोचते हैं ऐसे होगा, फिर दिमाग से काम लगाते लेते हैं और अंत में क्या होता है कि हम कोई समाधान निकाल लेते हैं। अगला है नंबर 3 पे रट कर सीखना, रोट लर्निंग। इसको हम जानते हैं कि किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करना और उसके माध्यम से हम उस चीज़ को रट लेते हैं, इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसमें हम ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, उसको बार बार याद करते करते वो हम जवान पर उतर आता है, हमारे आंगिक स्मृति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम बच्चों को जब पहाड़ याद कराते हैं या वो गिनती याद कराते हैं तो इतनी बार करा देते हैं कि अभ्यास का पार्ट बन गया और उसके मन में समा गया, उसके अंगों में समा गया। ऐसी बहुत से टाइपराइटिंग सीखना है, बार बार अभ्यास करते करते हमारी उंगलियों में समा जाता है कि किस उंगली से कौन सा अक्षर टाइप करना है। एक समय ऐसा आता है कि टाइपिस्ट बाई तरफ देखता है और दाएं तरफ टाइप करता रहता है, यानी उसकी अंगों में समा चुका है, ये अभ्यास का परिणाम है। हम बहुत से काम ऐसे करते हैं, महिलाएं हैं वो सिलाई की कई बार देखते हैं, बात करते रहते हैं सिलाई करते, वो सिलाई या स्वेटर बीनना होता है, स्वेटर बीनती रहती हैं, हम देखते हैं कि वो बिना देखे बीनती रहती हैं, उनके हाथों में अभ्यास हो चुका है। तो रटना किसी चीज़ को और वो रट करके ठीक से याद कर लेना, ये भी एक विधि है लर्निंग की। अगला है अर्थपूर्ण सीखना, इसको अच्छा मानते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। वास्तव में ये सबसे अच्छी लर्निंग मानी जाती है, इसमें बच्चा अपने मस्तिष्क में सोचता है और उसके अर्थ को समझता है क्या है और उस अर्थ को समझने के बाद सीखता है, तो स्थायी लर्निंग भी होती है।
इस तरह से इसको हम लर्निंग के हमारे एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, गैने महोदय हैं, उनकी अपनी अलग थिंकिंग है। वो कहते हैं अपनी पुस्तक में द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के मूल पाठ, मूल आठ प्रकार बताए हैं। ये प्रकार इससे पिरामिड जैसा है, जहाँ शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सबसे पहला है सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखने में हम संकेत के द्वारा स्टार्टिंग में पहला शुरुआत यह होती है, हम संकेत के द्वारा सीखते हैं। बालक अपनी माँ की भावभंगी माओ को संकेत के द्वारा सीखता है, माँ कब नाराज है, कब प्रसन्न है। और इसके अलावा हम छोटी कक्षाओं में भी छोटा आ से अमरूद, बड़ा से आम, अथवा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, ये क्या है, संकेत के माध्यम से हम सिखाते हैं इसको। यहाँ पर सेब उसके पास नहीं है, लेकिन ए फॉर एप्पल जान गया, एप्पल कैसा होता है उसको बता दिया, जब वास्तविक एप्पल देखता है उसको तुरंत पहचान लेता है। ऐसे ही हम नाराज होते हैं, हम ढूंढते हैं, फटकारते हैं, हमारी भावभंगिमाओं को भी पकड़ लेता है। इसलिए शुरुआत जो होती है हमारी वो सांकेतिक लर्निंग के माध्यम से आगे बढ़ता है। फिर एक दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सीखना। सांकेतिक के बाद सेकंड स्टेप आ जाता है उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है एसआर थ्योरी उससे द्वारा प्रतिपादित भी है कि उद्दीपक होता है यानी किसी चीज को उद्दीप्त करना। बालक देखता है कि ये ऐसा सब लोग खाना ऐसे खा रहे हैं, हम भी इसे खाएं। अभी क्या है, लोग क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें उद्दीपन आता है, अनुक्रिया करता है। और फिर उसको अनुक्रिया करने के बाद री इन्फोर्समेंट मिलता है। मान लिया सब लोग मिठाई खा रहे हैं, उसने भी खाया, अच्छा लग गया, अच्छा लगा क्या है, री इन्फोर्समेंट, वो जान गया कि मिठाई मीठा होता है और इसको ऐसे हम खा सकते हैं। ऐसे इसके अंदर जो चिराग के एग्जाम्पल भी हमने दिया था उसमें भी यही चीज़ है कि बालक देखता है जलता हुआ चिराग लाल रंग का दिखाई पड़ता है, नारंगी रंग का दिखाई पड़ता है, तो क्या है, जिज्ञासा उसके अंदर है, सोचता है कोई खिलौने की चीज़ है, कोई खेलने की चीज़ है, और देखना चाहता है और क्या छुआ उसको, देखा। यहाँ उद्दीपक क्या है, जलता हुआ चिराग उसकी जो लव है वो बच्चे के लिए आकर्षण बन गया, अब वहाँ तक गया और जब देखा उसे छुआ उसको, यानी अनुक्रिया की, जल गया तुरंत। और जब जल गया कष्ट की अनुभूति हो गई, अब उसके अंदर क्या हुआ, लर्निंग कि चिराग से हाथ जलता है, दोबारा नहीं छुएगा, बर्फ रखा हुआ है। अब वहाँ उद्दीपक क्या है, क्या है, जिज्ञासा यहाँ पे आ गई, और जो छूता है ठंडा लगा, अब जान गया है बर्फ ठंडा होता है या ये वस्तु ठंडी होती है। तो इस तरह से अब दिन भर हम लोग निरंतर उद्दीपक और अनुक्रिया, फिर उद्दीपक, फिर अनुक्रिया, री इन्फोर्समेंट, फिर उद्दीपक, फिर अनुक्रिया, फिर री इन्फोर्समेंट, और री इन्फोर्समेंट से हमको पुनर्बल मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कभी कह सकते हैं, सीखो उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा हम सीखते हैं। इस क्रम में तीसरा आता है सरल श्रृंखला का सीखना। हम इसमें क्रमशः आगे बढ़ते हैं, हमने एक शब्द सीख लिया पा माँ, फिर बच्चा आगे बढ़ता है पापा मम्मा मामा, कल जल पल टल। हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो पहले जब अक्षर ज्ञान हो जाता है तो दो अक्षर लेते हैं, कल पल जल टल, फिर तीन अक्षर लेते हैं, का माला कमल, जाला जा जलज, टा हाला टहल। और जब बच्चा इसका पारंगत हुआ क्रमशः आगे बढ़ते हैं इसमें सरल श्रृंखला का सीखना कि तीन अच्छा कर देंगे हम, चार अच्छा कर देते हैं, टा मा टम टम, पल पल जल जल, थल थल नवचल इत्यादि, हम कोई भी कटहल। तो क्रमशः आगे बढ़ते चले जाते हैं। सरल श्रृंखला का सीखने में क्या है, छोटा ज्ञान पहले, फिर और बड़ा ज्ञान। हम अगर 100 तक गिनती बच्चों को याद करा रहे हैं तो वहां भी सरल श्रृंखला के द्वारा क्या करेंगे, हम 10 तक गिनती उसको याद करा देंगे। 10 तक गिनती याद कर लिया ठीक से, अब हम 11 से 20 याद कराएंगे, आगे बढ़ गए वो भी याद कर लिया, अब 21 से हम 30 तक गिनती याद कराएंगे, यानी क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी हमारे यहाँ मॉन्टेसरी सिस्टम में और फाइबर सिस्टम में कुछ कहानियाँ बनाई गई तो वहाँ भी ऐसी बनाते हैं। हमने एक कहानी देखी थी कि सरल श्रृंखला के माध्यम से हमने 10 तक गिनती याद करानी है, पर एक गिनती सिखाएंगे और वहाँ हम संकेत का भी सहारा लेंगे,
10 तक गिनती याद करने के लिए, फिर 11 से 20 तक के लिए कुछ कहानियां बनाई गई थी, कविताएं बनाई गई थी, तो वहां पर भी हम इसका ध्यान रखते हैं। सरल श्रृंखला का सीखना और संकेत को भी ले लेते हैं, उद्दीपन को भी कैसे लेंगे, वहां पर रोचकता ले आएंगे। तो जब एक कोई गीत हम पढ़ाते हैं बच्चे को तो संकेत भी ले लेते हैं, उद्दीपन भी लेते हैं और सरल श्रृंखला का सिद्धांत भी रखते हैं। जैसे कविता है, 10 तक गिनती का एक पैकेज है कविता में, एक बड़े राजा का बेटा 2 दिनों से मुर्दा सा लेटा, 3 महात्मा सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5 मिनट तक गर्म कराया, 6-6 घंटे बाद पिलाया, सतह में कुछ राहत आई, 8 में फिर नैना खोला, 9 में फिर उठकर बैठा और 10 में फिर दौड़ लगाई। अब ये 10 तक गिनती का पैकेज है, हम यहाँ पर सांकेतिक भी ले रहे हैं, एक बड़े राजा का बेटा, बच्चे को लगता है एक राजा है, उसका बेटा है, एक बेटा एक ऐसे होता है। फिर 2 दिनों से मुर्दा सा लेटा, वो 2 दिन 2 ऐसे दिखा दिया उसको, अब यहाँ संकेत भी ले रहे हैं और फिर एक जिज्ञासा भी दे रहे हैं, क्या हुआ, बीमार था, कैसे बीमार था, तो जिज्ञासा उद्दीपन फिर सीखता है, उसको सुनने का प्रयास करता है, एक आकर्षण भी कविता के अंदर है और फिर क्रमशः आगे बढ़ते हैं। सरल श्रृंखला 1-2-3, एक बड़े राजा का बेटा 2 दिनों से मुर्दा सा लेटा, 3 महात्मा सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5 मिनट तक गर्म कराया, 6-6 घंटे बाद पिलाया, 7 में कुछ राहत आई, 8 में फिर उठकर बैठा, 9 में फिर नैना खोला, 10 में फिर दौड़ लगाई। तो हम इन सारी विधियों को लेकर समेट कर चलना चाहते हैं, तो सरल श्रृंखला में यानी छोटा छोटा लिख आगे बढ़ेंगे। ये इसके अंदर थ्योरी से मिलता हुआ है, इसके अंदर भी कहते हैं कोई बहुत बड़ा ज्ञान देने से अच्छा है एक साथ देने से बच्चा भूल जाएगा, हम छोटा छोटा पार्ट लेंगे। इसका उपयोग हम बहुत ही कमजोर बच्चों के लिए भी करते हैं, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, इकट्ठा उनको 100 तक गिनती याद कराएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, हम 10 तक याद कराएंगे, फिर थोड़ा छोटा लिख पीस लेंगे, हम जोड़ना सिखाएंगे, बिघटाना सिखाएंगे, यानी किसी भी बड़े ज्ञान को छोटे स्टेप में बांट देना और क्रमशः उसको सिखाते चले जाना। तो ये हुआ हमारा सरल श्रृंखला का सीखना। फिर शाब्दिक साहचर्य का सीखना, जब 2 शब्द एक साथ आ जाते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं, या कोई शब्द हमारा पूर्व ज्ञान घर में पड़ा हुआ है, जैसे भगवान राम को हम जानते हैं, अब किसी घर गए उसके बेटे का नाम है राम है, राम मेरे पहले से नाम पड़ा हुआ दिमाग के अंदर, अब हम शाब्दिक साहचर्य तुरंत उसका नाम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही पनामा सागर भी है, पनामा एक नहर का भी नाम है, अब पनामा नहर को याद, पनामा शब्द मेरे मन में पहले से है, अब पनामा नहर तत्काल हमको याद हो जाएगा। तो ये बहुत सी चीजें शब्दों का जब साहचर्य होता है, ऐसे ही राम लक्ष्मण साथ में आता है, तो जब राम और लक्ष्मण राम कहेंगे लक्ष्मण तत्काल हमको याद हो जाएगा, सीता राम तुरंत याद हो जाएगा, सीता कहते ही राम का नाम आ जाएगा, राधे श्याम, राधे कहते ही श्याम का नाम याद आ जाएगा। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, यहाँ पर हम जान सकते हैं कि जब 2 शब्द साथ साथ चलते हैं तो तत्काल हम उसको याद कर लेते हैं, ये भी है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब पूर्व ज्ञान से हम नवीन ज्ञान को जोड़ देते हैं तो भी हम उसको शाब्दिक साहचर्य भी कर सकते हैं, पहले से कोई शब्द मेरे माइंड में है और वही शब्द दोबारा आ गया तो हम उसको तत्काल याद कर लेंगे। और इसी के द्वारा हम बहुत से, जैसे कोई दर्जी है कपड़ा सिलता है, लेकिन जब कोई नया डिजाइन आती है तो पहले ज्ञान से जोड़ लेता है कि इसमें 80% तो वही है जो पहले था, 20% जोड़ दिया। इसका उपयोग हम सब नहीं करते हैं, जो पहले यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर आगे बढ़ जाना। और 5वां है विभेदीकरण सीखना, बच्चा इसके बाद आगे बढ़ता है तो विभेदीकरण सीख जाता है, जैसे तरल पदार्थ है, ये पानी है, ये शहद है, पहले वो तरल पदार्थ जान पाता है लेकिन बाद में अंतर करता है कि ये तरल है तो तरल में भी ये दूध है, ये शहद है, ये पानी है, ये कड़वा तेल है, ये मिट्टी का तेल है, इसका विभेदीकरण यानी उसमें अंतर करना सीख जाता है। इस तरह से आगा है सांप्रत्यय सीखना, यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं इसको, हम बच्चों के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। जब बच्चे को संकेत देते हैं ए फॉर एप्पल, एप्पल सामने रख दिया, अब वो सांप्रत्यय में क्या होगा कि एप्पल का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ जाता है कि एप्पल ऐसा होता है। हमने ले ई फॉर एलिफेंट, तो ई को भी सीखा, ई के माध्यम से ये एक संकेत के बाद हम एलिफेंट को सिखा दिया और एलिफेंट कैसा होता है चित्र दिखा दिया,
अब वो बच्चे के अंदर एलिफेंट का डायग्राम दिमाग के अंदर बन गया। इस तरह से एक हाथी कैसे होती है ये बच्चा जान गया, सेब कैसा होता है जान गया। अब हम अगर उसके मान कहते हैं बिना हाथी बिना सेब किताब को बंद कर दें और उसे कह दें हाथी, अब क्या हुआ, तुरंत उसके दिमाग के अंदर कांसेप्ट फॉर्मेशन आ जाएगा, हाथी का चित्र सामने आ जाएगा। अभी हमारे घर में एक पड़ोसी का एक घटना घटी, उनका छोटा बच्चा था 3-4 साल का, नाम दिखाया स्कूल में, अब पढ़ने गया, स्कूल पढ़ के आया, उसके सेकंड 2 दिन की बात बता रहा हूँ कि किसी बाप डांट दिए जोर से, वो तो नाराज हो गया। 3 साल का बच्चा जब नाराज होता है करता क्या है, अपने पिताजी के खिलाफ भाग के जाता है, अपना बैग लेके आता है, बैग के अंदर से किताबें पलटा तो कहते क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। किताब के पलटने के बाद उसने हिंदी की किताब निकाली और हिंदी किताब पन्ना पलटा और उसमें देखा, उसमें निकाला वो पेज जहाँ लिखा था ओ से ओखली, वो निकाला, ओखली बना हुआ था, वो लेके आया पापा के सामने रख दिया और कहता क्या है आपको इसमें डाल के पूछ देंगे। अब देखिए कि जो बच्चा पहली बार स्कूल गया ओखली देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर कई चीज़ साथ आ रही हैं, सांकेत भी आ रहा है, उद्दीपकन क्रिया भी आ रही है, अब वो यहाँ पर ये जान गया कि जो पापा ने कहा है डांटा जोर से इनको परिश करने के लिए कहता क्या है इससे रख के कूटेंगे। ऐसा घटना होती है तो बच्चे बराबर इस चीज को एक्सेप्ट करते रहते हैं तो संप्रत्यय सीखना क्या है, उसके बारे में मालूम हो गया कोखली में क्या है, पूछने से क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा, हमको डांटा है, यानी इतनी रीजनिंग उसके दिमाग में आ रही है। अगर नियम सीखना या ऐसे कहते हैं प्रिंसिपल या सिद्धांत अधिगम भी कहते हैं, अधिगम इससे अच्छा होता है, हम नियम को जानते हैं, हम अधिगम के हमारे बहुत से सिद्धांत भी हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत है, हमारे पावलो का सिद्धांत है, हम सिद्धांतों के द्वारा कोई चीज़ सीखते हैं उसको तो अधिगम सीखना। और अगला है समस्या समाधान सीखना, ये जो समस्या का समाधान करना उच्च स्तर का सीखना इसको मानते हैं, इसमें हम बच्चे को कोई समस्या दे देते हैं, सोचने का मौका देते हैं। वास्तव में ये कोदर का प्रयोग था चिंपाई जी के ऊपर, कि वहाँ पर हमने क्या किया था कि एक चिंपाई जी था बनमानुष था भूखा था, कमरे में बंद कर दिया कोदर ने, और वहाँ कुछ डिब्बे रख दिया ऊपर, केदार टांग रख दिया, टांग दिया रस्सी से और कहा कि छोड़ दिया उसको। अब क्या है समस्या का समाधान, भूख लगी है, भूख उसकी समस्या है, तो सोचता है क्या करें, कई बार उछलता है कूदता है, केले को प्राप्त करने का प्रयास करता है, नहीं प्राप्त कर पाता है तो कुछ देर बैठ जाता है, फिर देखता है एक सुराख से कोदर देख रहा होता है क्या कर रहा है, उसकी क्या रिएक्शंस है चिंपैंजी के, तो क्या करता है एक डिब्बा लेके आता है वहाँ रख देता है केले के गुच्छे के नीचे, खड़ा होता है नहीं पाया, फिर कुछ देर सोचा, फिर एक डिब्बा और लाया ऊपर रखा, फिर उठा के फिर तीसरा डिब्बा लाया और चढ़कर क्यों केले को उठाया और प्राप्त किया और खा लिया। ये भी एक लर्निंग है कि समस्या को ठीक से देखना, वास्तव में ये वो सबसे अच्छी लर्निंग मानी जाती है। गहरे महोदय कहते हैं कि इसी पे बच्चे को यहाँ शुरू करिए, लेकिन धीरे से यहाँ पे ले आइए और इस तरह से वो समस्या का समाधान करना सीख जाएगा तो अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, क्योंकि समस्या का समाधान करते हुए ही हम कोई काम कर सकते हैं। जितने भी अनुसंधान हुए हैं, जितनी भी खोज हुई है, सब समस्या समाधान विधि के द्वारा ही होता है। जेम्स वाट घर में बैठा था और देख रहा था कि घर में कहीं खाना बन रहा था और केतली के खन्न खन्न की आवाज आ रही थी, अब क्या समस्या लगी उसको, क्या है आवाज कहाँ से आ रही है, समाधान ढूंढने का प्रयास किया, गया देखा और वहां पर ढक्कन उठ गिर रहा था, तो लगा कि भाप है, भाप से गिर रहा है, तो एक उठाया पत्थर रख दिया, तब फिर उठ गया, फिर और रखा और भी उठ गया, वो ये देख रहा था कि भाप में कितनी ताकत है और लगा कि जो भी हम करते जा रहे हैं ये बहुत ताकत है, और इस समस्या का समाधान करते करते अंत में भाप का इंजन बनाता है। ठीक इसी प्रकार से एडिशन बल्ब का निर्माण करता है तो 12 साल तक लगा रहा है इसमें, 12 साल के बाद समस्या का समाधान कर पाता है, तो 12 वर्ष तक काम करना पड़ा उसको, तो निरंतर हम समस्याओं का समाधान करने के द्वारा ही हमारा विकास हो पाता है। और मैं कह सकता हूँ कि शुरुआती दौर में जो आदिमानव था, आदिमानव से आज वर्तमान मानव कि बीच में जो प्रक्रिया जो हमारी विकास जो डेवलपमेंट हुआ है वो वास्तव में समस्या समाधान के द्वारा ही हुआ है। आज मानव के पास कोई मकान नहीं था, कोई घर नहीं था, ठंड लगी होगी, ठंड से बचने के लिए आग का भी ज्ञान किया, पत्थर से पत्थर टकराया और आग की तिनगारी निकली, पूरे जंगल में आग लग गई, वो जान पाया कि और कुछ जानवर भूल गए, जान पाया बना हुआ मांस अच्छा लगता है और उसने आग का ज्ञान सीखा,
फिर खाना बनाना सीखा, फिर गांव बसाया, कपड़ा पहनना सीखा, ठंड लगी होगी कपड़ा पहना होगा। आदि मानव धीरे धीरे गांव बसाता है, आज हम सरकार बनाते हैं, आज जो भी डेवलपमेंट हुआ वो वास्तव में क्या है, बेसिक क्या है, समस्या समाधान है। कहते भी हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम यहाँ खड़े हैं ऐसे आराम से खड़े हैं, अभी नीचे पानी भर जाए तो समस्या हो गई, हम तुरंत कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि कोई स्टूल लाके उसके ऊपर खड़े हो जाए। बाढ़ आती है तो हम समस्या का समाधान करते हैं, भूकंप आता है तो समस्या का समाधान करते हैं। तो वास्तव में क्या है, समस्या का समाधान करना ये बच्चे को सिखाना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसका परिणाम ये हो सकता है कि बच्चे देश का विकास रुक जाएगा। तो ये है हमारे गणेश महोदय का, जो उन्होंने सीखने के कुछ मूल आठ चीज़ें बताई और उसमें सांकेतिक से शुरू किया और बताया कि धीरे से हम समस्या समाधान तक बच्चे को ले आएंगे और इस तरह से हमारी जो लर्निंग की जो प्रकार है वो इतने प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं जो गैने ने बताया है, आठ विशेषताएं में। खास बात ये भी है, बताया गया सभी आठ प्रकारों के सीखने की एक खास विशेषता ये है कि यह सभी श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं, यानी संकेत शुरू होगा और समस्या समाधान तक जाएगा। दूसरी बात यह है कि श्रृंखला में किसी स्तर पर के सीखने की प्रक्रिया में ये आवश्यक है कि उसके नीचे स्तर का सीखना हो चुका हो। अगर सांकेतिक नहीं है तो समस्या समाधान भी नहीं होगा, उद्दीपक अनुक्रिया नहीं है तो समस्या समाधान भी नहीं होगा, उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया भी होगी। किसी बात का मन में खटकना, जैसे न्यूटन ने लाभ ग्रेविटी जब खोजा तो वहां पर उद्दीपक क्या था, सुनते हैं एक कहानी है कि वो सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे और एक सेब जब गिरता है, नींद टूटती है, उठ के बैठते हैं और उनकी समस्या का समाधान क्या है ढूंढते हैं कि सेब जब नीचे गिरा तो यहाँ उद्दीपक क्या हो गया कि घटना क्यों घटी, जानना चाहते थे वो, और ये सेब जब टूटा तो ऊपर क्यों नहीं चला गया, आसमान पूरा खाली पड़ा था, पूरब गया होता, पश्चिम गया होता, उत्तर गया होता, दक्षिण गया होता, अरे कहीं जाता, नीचे ही क्यों आया, नीचे ना आता मेरे ऊपर नहीं गिरता, हमको चोट नहीं लगती। तो इस तरह से एक समस्या उनके मन में आई, जिज्ञासा भी आई और इस जिज्ञासा के शांत करने के लिए अनुक्रिया किया, क्या बार बार देखते थे, कंकड़ फेंकते थे वो भी नीचे आ गया, अन्य वस्तुओं फेंकते थे वो भी नीचे आया, अंत में देखा ऐ समाधान खोजा और क्या कारण है इसके पीछे, तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल है और उसी के बेस पर आज हम सारा काम कर रहे हैं। आर्कमिडीज का जो सिद्धांत आता है वो भी वही चीज़ है, वो देखते थे पानी में जाते थे और क्या कारण है, कोई कंकड़ फेंका डूब गया और एक पत्ता आम का तैर रहा है, क्या कारण है, और कई जगह लगे तब जान पाए वो कि किसी वस्त्र के द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्त्र के भार के बराबर होता है, ये बहुत दिन बाद जान पाए। और तो उसी बेस पर आज हम स्टीमर बना रहे हैं, नाव बना रहे हैं, नाव ऐसा बनाते हैं कि अपने वजन के से अधिक पानी हटा देगा और नाव तैरती रहेगी। इस तरह से हम आज बहुत अधिक उसका लाभ ले रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो यही कहते हैं कि जब तक हम नीचे वाला ज्ञान नहीं होगा आगे वाला ज्ञान नहीं होगा। फिर कहते हैं श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या समाधान सीखना तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। इसलिए बच्चे को हम देखते हैं शुरुआत में यही कहते हैं, सांकेतिक का सहारा लेते हैं, आज से अमरूद बड़ा, से आम छोटी, से मिली और बड़ी, से एक ही शुरू करते हैं और बाद में इसको आपठित और नई नई समस्याओं को देखते जाते हैं। और रिसर्च में क्या होता है, समस्या का समाधान ही होता है। तो शुरुआत यहाँ से होती है, संकेत से, और समाधान से हम उसका अंत करते हैं और वही शायद विकास की प्रक्रिया भी है। अब आते हैं अधिगम के नियम क्या है, सीखने के क्या नियम है। तो कुछ नियम हमारे हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने काफ़ी काम किया, इनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक। सीखने के नियमों को दो भागों में उन्होंने बांटा है, पहला है सीखने के मुख्य नियम और सेकंड है सीखने के गौण या सहायक नियम। मुख्य नियम जो प्रधान है, ज़्यादा प्रमुख हैं, और गौण नियम ने हल्के स्तर के हैं, इनके विस्तार में आए चलते हैं। मुख्य नियम कौन कौन से हैं, पहला है तत्परता का नियम, इसमें कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की तत्परता के नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे के अंदर अगर काम को सीखने के लिए सद्या रेडीनेस इंग्लिश में है कि तत्परता है, एक ललक है काम को सीखने के लिए, एक तर्पण है, एक भूख है, जानने की इच्छा शक्ति है, विल पावर है, तो जल्दी सीख लेगा, कठिन चीज ही उसके ऊपर आसान रहेगा। तो इसीलिए हमें बच्चों को जो सिखाना है
तो हम अगर सीधे सिखाते हैं शायद न सीख पाए, हमें उसकी इम्पॉर्टेंस को बता करके उसके अंदर तत्परता पैदा करना होगा। यानी यो कह सकते हैं जैसे बिना भूख के खाना बेकार लगता है, बच्चा खाना नहीं खाता है, हमें भूख पैदा करना होगा। जब तक बच्चे के अंदर जानने की भूख नहीं पैदा होगी तब इन तत्परता नहीं होगी, अधिगम नहीं हो सकता। अगर बच्चा जानना नहीं चाहता है तो पढ़ाने से कोई आवश्यकता नहीं। जैसे गिलास पानी से भरा हुआ है या उल्टा हुआ गिलास है, आप पानी डालेंगे बह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें तत्परता होनी चाहिए, तभी हमारा ज्ञान ठीक से अधिगम हो पाएगा। पहला ये अल्थाडाइट का नियम है। से अगला है नंबर दो पे अभ्यास का नियम। थाडाइट मुझे कहते हैं कि जितना अधिक अभ्यास करेंगे, इसके दो पार्ट हैं, प्रयोग का नियम अनुप्रयोग का नियम। जितना हम प्रयोग करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, उतना ही मेरा अधिगम होता चला जाएगा। और ठीक उल्टा इसका है अनुप्रयोग का नियम, अर्थात हम यदि उसका प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ सीखा है और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ज्ञान है, हमने कोई सिद्धांत सीखा, मैथ सीखा, क्योंकि बार बार अभ्यास करते रहेंगे हमारा नॉलेज परिपक्व होता जाएगा, और हम छोड़ देंगे तो नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। अधिगम का सीधा सिद्धांत है, जितना अधिक हम उसका अभ्यास करते रहेंगे वो नॉलेज उतना ही अधिक हो जाएगा, और दिन पर दिन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभ्यास का ही परिणाम है। हम देखते हैं सर्कस में लोग काम करते हैं, रस्सी पर चल लेते हैं, ये अभ्यास का परिणाम है। और जो अभ्यास नहीं करता है वो तुरंत रस्सी नहीं चल पाता है, गिर जाता है। जितने भी कुशल व्यक्ति है वो अभ्यास के बल पर ही वहाँ है। एक टाइपिस्ट जो अभ्यास करता है और ज़्यादा अभ्यास कर लेता है तो बिना देखे वो टाइप करता रहता है, और जो अभ्यास नहीं किया वही बड़ा अक्षर देखता है, उसे लिखना है कमल तो मेरे का तलाशता है, फिर मत तलाशता है, फिर ल तलाशता है, फिर वो टाइप करता है, टाइम लगता है उसमें। तो वास्तव में अभ्यास और अनभ्यास, प्रयोग और अनुप्रयोग, इसके दो पार्ट हैं, यानी अभ्यास का नियम। तीसरा जो मेन इनका नियम है, प्रभाव का नियम, अर्थात जो भी लर्निंग है, जो भी अधिगम है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्या उसका परिणाम क्या आएगा। अगर बालक को मिल जाए कि इसका परिणाम बहुत अच्छा है, ये प्रथम श्रेणी में आ जाएंगे, हम अगर 75% नंबर ले आएंगे हाई स्कूल में तो फला नौकरी मिल जाएगी, यानी परिणाम बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा परिश्रम करेगा। यदि उसे कह जाए परिणाम अच्छा नहीं आएगा, हाई स्कूल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अब उसको पढ़ने मन नहीं लगता है। इस तरह से वास्तव में जो हमारा प्रभाव है, ये कहता क्या है कि कोई भी नॉलेज है, कोई भी ज्ञान है, हमें बच्चे को सिखाना है, पहला काम ये करना पड़ेगा कि इसका प्रभाव ये पड़ेगा, ये सीख लोगे तो ये हो जाएगा, कोई महत्वपूर्ण चीज़ बतानी ही पड़ेगी। इसके द्वारा हम कमज़ोर बच्चे, जो बच्चे नहीं पढ़ते, वो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास आईक्यू बहुत अच्छा है, ब्रेन के बहुत तेज है, और उनसे कहिए कि आप ये चीज़ पढ़िए, कहते हैं नहीं पढ़ेंगे, क्यों, कोई फायदा नहीं इससे। तो हमें कोई भी कोर्स, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या हो सकती है और उसको करने बाद हम क्या बन सकते हैं, जब तक ये नहीं बताएंगे अधिगम ठीक से नहीं होता है। तो प्रभाव या परिणाम का नियम भी से कहते हैं कि परिणाम अच्छा होता है तो भी लर्निंग अच्छी होती है। ये थाडाइट महोदय के पांच और नियम है जो हम गौण नियम कहते हैं, यानी हल्के तीन मुख्य, और ये है थोड़ा कम मुख्य है। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, जिसका रिस्पांस हम बार बार करते हैं। कहते हैं रसरी आवत जाते सिल पे होत निशान, रसरी के आते हुए जाते हुए यानी कुआं के ऊपर देखते हैं सिल में भी निशान पड़ जाता है। रस्सी बहुत कमज़ोर चीज़ है और पत्थर के अंदर भी निशान पड़ता है, ये क्या है बार बार करने से। तो अनुक्रिया का यानी बहु अनुक्रिया कहते हैं थाडाइट महोदय, कि जितना अधिक अनुक्रिया करेंगे यानी बार बार कोई काम करते रहेंगे उतना हमारा वो अधिगम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दूसरा है मानसिक वृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का नियम, अर्थात हमारी टेंडेंसी कैसी है, हमारे मन में इच्छा शक्ति है कि नहीं है, हम मुझे बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने की इच्छा शक्ति अंदर है कि नहीं है। अगर मनोवृत्ति बन गई है तो हम अच्छा पढ़ेंगे, अगर मन में ये भरा हुआ है डॉक्टर बेकार होता है, डॉक्टर बनने के बाद कोई फायदा नहीं है, ये दृष्टिकोण भरा हुआ है तो हम डॉक्टर के कोर्स को नहीं पढ़ सकते। कोई भी कोर्स है अगर उसके मन में अभिरुचि नहीं है, रुचि नहीं है, मनोवृत्ति नहीं है तो भी अधिगम संभव नहीं है। नंबर तीन तत्व प्रबलता का नियम, यानी प्रबलता या रीइन्फोर्स, यानी किसी चीज को हम आंशिक नियम इसे कहते हैं, आंशिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं,
क्योंकि जब हम किसी बड़े चीज को छोटे छोटे पार्ट में सीखते हैं तो हर स्थान पर छोटा पार्ट जब सीख लेते हैं तो प्रबलता यानी रीइंफोर्समेंट मिल जाता है। जैसे मान लिया हमें गिनती याद करनी है, 20 तक की गिनती याद करनी है, काउंटिंग सिखाना बच्चे को, पहले 5 तक सिखा दो, 1, 2, 3, 4, 5, अब रुक जाइए। 5 जब ठीक से पढ़ लेगा तो उसको एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा, कहेंगे तुम्हारी पहली 20 इकाइयाँ हैं सब गिनती में, पहली इकाई याद कर लो। अब पहली इकाई याद कर लिया, 5 आसान काम है इसके लिए, जब 5 याद कर लिया तो उसको एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा, प्रबलता मिलेगी, यानी अच्छा लगेगा हमें 5 की गिनती याद हो गई, अब हम शुरू करेंगे 6 से 10 तक का। आज 10 तक याद कर लेगा फिर उसको एक रीइंफोर्समेंट, एक प्रसन्नता की अनुभूत होगी, और चाहे तो यहाँ छोटा मोटा पुरस्कार दे सकते हैं, ट्रॉफी दे दिया, कोई खिलौना दे दिया, तुमने अच्छा पढ़ाई किया तुमने। अब वो 10 तक गिनती याद कर लिया, पता या 2 इकाई आपकी याद हो गई, 100 तक गिनती की 20 इकाइयाँ हैं, और हर इकाई के बाद बच्चे को एक रीइंफोर्समेंट मिलता है, क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। तो किसी भी नॉलेज को ज्ञान को एक साथ लेने में हम उबते हैं, हमें मनोवृत्ति खराब हो सकती है, हम उसमें मन नहीं लगता है, लेकिन जब इसको कई पार्ट में करते हैं तो हर पार्ट के बाद में एक हमको राहत मिलती, संतोष मिलता है, ये जो संतोष मिलता है ये मन को आराम देता है, ये हमारा रीइंफोर्समेंट है। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको हम ऊपर से रीइंफोर्समेंट देना पड़ सकता है, क्योंकि वो स्वयं अनुभूति नहीं कर पाते सुख अनुभूति, तो उनको हम कोई ट्रॉफी याद दे सकते हैं, कोई तारीफ कर सकते हैं, इस तरह का रीइंफोर्समेंट दिया जा सकता है। अगला है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। इसमें क्या है, वही चीज़ें मैं पहले बोल चुके हैं कि कोई चीज़ हम जानते हैं उसी से मिलती हुई कोई नई चीज़ आ जाती है, यानी सादृश्यता है या अनुरूपता है, जल्दी सीख लेंगे। वहाँ पर क्या है कि हम जैसे कोई चीज़ ज्ञान है, कोई नॉलेज है, कोई चीज़ है, हम पहले से जानते हैं। अगर हमारे आपको संगीत की बात क्षेत्र में जाएँ, हमको कोई संगीत आता है, कुछ गीत आते हैं, कोई आदमी बहुत बढ़िया सा लोकगीत गाता है, तो साथ में दूसरा वो गीत भी गा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सादृश्यता है। हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स ठीक से तैयार हो गया, अब जब फिजिक्स लगाने बैठेंगे तो वहाँ पर क्या है, सादृश्यता है, समानता थोड़ी सी है, हम जल्दी सीख सकते हैं। हमें संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, अब हिंदी पढ़ने बैठेंगे तो वहाँ भी थोड़ी सी हमको अनुरूपता रहेगी, हम उसको सादृश्यता के नाते जल्दी सीख जाएंगे। आगे है साहचर्य स्थानांतरण का नियम, ये भी उसी में आता है, शिकाय 5वां है कि समान रूप से यदि कोई चीज़ दूसरे स्थान पर सीखना होता है हम तत्काल सीख जाएंगे। अगर हमने मैथ के जोड़ना घटाना सीख लिया, गुणा भाग करना सीख लिया, पहाड़ा याद कर लिया, अब हम कोई हिसाब करना सीखना है तो जल्दी सीख लेंगे, फील्ड बुक सीखना है जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि क्या है साहचर्य स्थानांतरण का नियम, संबंधित चीज़ को दूसरे स्थान पर सीखने पहुंच गए, अब घर में हिसाब कर रहे हैं तो वहाँ भी कर लेंगे। सामान्य सी बात है, हमने स्कूल में मैथ पढ़ा था परीक्षा को पास करने के लिए, लेकिन घर में अब हिसाब करना है, सब्जी खरीदने गए हैं वहाँ भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि हिसाब अब बेकार हो जाएगा, हम कोई और काम करेंगे वहाँ भी काम करेंगे। तो जो नॉलेज है उसको एक स्थान के सीखे हुए ज्ञान को अलग भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे जो 8 नियम है थॉर्नडाइक के बनाए हुए, 3 हमारे मुख्य नियम है, 5 गौण नियम है, ये हो गए। अब आगे चलते हैं, सीखने का अंतरण या स्थानांतरण भी कहते हैं, अर्थात ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये अधिगम का एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हमारी सामान्य क्रम में जान लिए कि किसी एक स्थान पर सीखे हुए ज्ञान को जब हम उठा करके दूसरे स्थान पर सीखते हैं तो उसे कहते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण, या दूसरे स्थान पर वो आंशिक रूप से प्रयोग कर रहा है, पहले 60% ज्ञान हमको वहां पर सहयोग कर रहा है तो 60% ट्रांसफर हो ही जाएगा। इसको बिटेकर महोदय ने लिखा है, प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर पढ़ने वाला प्रभाव से होता है। अर्थात कोई चीज हमने सीखा है, एक कौशल कोई सीखा है और वो दूसरे कौशल में हम तत्काल उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि उससे मैचिंग उससे हो रही है। हमें अगर बच्चे को ताइक्वांडो सिखाना है तो दौड़ना सिखाना ही होगा, व्यायाम सिखाना भी होगा, योगासन सीखा हुआ है बच्चे ने तो ताइक्वांडो भी सीख लेगा, दौड़ना सीखा है तो कबड्डी भी अच्छा सीख लेगा, बैडमिंटन भी कर लेगा क्योंकि दौड़ना दोनों पड़ेगा, क्रिकेट भी कर लेगा,
वॉलीबॉल खेल रहा है और क्रिकेट खेलने चला है तो कैचिंग पावर तो उसके पास सही है, दौड़ने की क्षमता तो उसके पास सही है। एक स्थान पर सीखा हुआ ज्ञान वहाँ पर तत्काल प्रभाव डालता है, हम जल्दी सीख लेते हैं इसको। ऐसे ही एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात कहीं अलग हमने सीखा है, अलग उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का सेकेंड स्टेज जो हमारी आती कहीं और किसी स्थान पर, वहाँ तुरंत को स्थानांतरण कर देते हैं, तुरंत सीखे हुए ज्ञान को वहाँ पर हम लागू कर देते हैं। इसी प्रभाव के स्वरूप के आधार पर सीखने के अंतरण के तीन रूपों का वर्णन किया गया है। उसमें है पहला, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के तीन प्रकार भी हैं, तीन काइंड भी इसके हैं। पहला है धनात्मक अंतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर। जब एक स्थान पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरे स्थान पर सहयोग करता है तो उसे कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, दौड़ने का अभ्यास किया, वॉलीबॉल खेलने का अभ्यास किया, क्रिकेट में भी वो काम आता है। ठीक उसी प्रकार से हम मान लिया स्कूटर चला रहे हैं और स्कूटर के बाद हम सीख रहे हैं मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, तो मोटरसाइकिल सीखने में स्कूटर का लगभग 70% 80% ज्ञान वहाँ पर काम आ जाएगा, तत्काल ट्रांसफर हो जाएगा। एक सिविक सेंस हमको पता है, सड़क की जो सेंस सिविक सेंस होते हैं, बाएँ चलना है इत्यादि, ये जान जाएंगे। ब्रेक कैसे लगाना है, कहाँ पर गाड़ी धीमी करनी है, कहाँ तेज करनी है, क्रश क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, हम जानते हैं इसमें। तो यहाँ का ज्ञान पूरा भाग है। कोई ट्रैक्टर चला रहा है, खेत जोतता है और जीप चलाने सीखता है तो आधा ज्ञान तत्काल, उसके कंट्रोलिंग पावर तो जल्दी आ जाएगी। कोई नया आदमी सीखता है तो टाइम लगता है, लेकिन वो एक बार सीख चुका है और 50% उसका समानता है और 50 डिफरेंट है तो वो जल्दी सीख लेगा। तो वहाँ कहते हैं धनात्मक अंतरण। ठीक ऐसे ही ये संस्कृत विषय है, संस्कृत का ग्रामर अगर बहुत अच्छा आपका है और हिंदी पढ़ने बैठेंगे तो चूंकि हिंदी की जननी संस्कृत है, बहुत सा नॉलेज हिंदी में तत्काल चला आएगा। यानी 75% कह सकते हैं कि 80% लगभग आपकी हिंदी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसकी जो मातृभाषा हम कह सकते हैं वो मूलतः संस्कृत है, अधिकांश बढ़ ही पाए। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अंग्रेजी पढ़ रहे तो लैटिन भाषा का सहयोग करता है। तो धनात्मक स्थानांतरण तात्पर्य यही है कि एक स्थान पर सीखा हुआ ज्ञान कितना सहयोग कर रहा है, 100% भी कर सकता है, 80% कर सकता है, 60% कर सकता है, तो जितना सहयोग करेगा। मैथ का ज्ञान बहुत कुछ सहयोग करता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सहयोग करता है, वहाँ भी सवाल है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी का संस्कृत में करता है। ऐसे ही आपका खेल में आ जाते हैं, खेल के बहुत सी चीज़ें सहयोग करता है। अब आते हैं अगला है ऋणात्मक अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। जब एक स्थान पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरे स्थान पर सहयोग के बजाय विरोध करता है तब हम कहते हैं इसको ऋणात्मक अंतरण या स्थानांतरण। जैसे संस्कृत का व्याकरण हमने सीख लिया, बहुत अच्छा जानते हैं, अब हम उर्दू पढ़ने बैठ जाएं, अब सहयोग नहीं करेगा। क्यों? लिपि का अंतर। संस्कृत बाएं से दाएं लिख रहे थे, उर्दू दाएं से बाएं लिखना है, ठीक उल्टा है। ग्रामर में अंतर है, लिपि में अंतर है। अब यहाँ वह सीखा हुआ ज्ञान संस्कृत वाला उर्दू में हम कह सकते हैं कि विरोध कर रहा है सहयोग के बजाय। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक स्थान जो हमने सीखा था वहाँ पर कोई सहयोग नहीं कर रहा है। हमने फिजिक्स पढ़ा था, अब अंग्रेजी पढ़ने बैठे हैं तो कोई बहुत सहयोग उसमें नहीं मिल जा रहा है। हमने अंग्रेजी पढ़ा था, अब हम पढ़ने बैठे हैं संस्कृत, तो अंग्रेजी वाला जो ग्रामर है, इंग्लिश का जो ग्रामर है, जो उसकी लिपि है, वो देवनागरी में हमें काम नहीं आ रही है। तो इस तरह से वहाँ पर क्या है, एक स्थान पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम बात करने बैठे हैं, वह जाता है तो संस्कृत सीख के आए हैं, सागच्छत मन में भरा हुआ है और ही गोज कहना है तो पहले सागच्छत चला था दिमाग के अंदर, यानी वो पहले परेशान कर रहा है मुझे, कहीं कहीं डिस्टर्ब करता है पहला वाला ज्ञान मुझे। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं ऋणात्मक अंतरण या नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। अगला है शून्य अंतरण, जीरो ट्रांसफर। जब एक स्थान पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरे स्थान पर न तो सहयोग करता है और न तो विरोध करता है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको हम जीरो भी कहते हैं। जैसे हमने कहीं पर गए, हमें हिंदी सीखा है और अब हम जा रहे हैं कहीं बाहर चले गए, चीन की भाषा कोई सीख रहे हैं, कोई और भी काम कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस ना सहयोग है ना विरोध है,
हम लाइन ही पूरा चेंज कर दिया उसका, बहुत ही। तो ऐसी चीज़ें हैं, हालांकि कोई भी ज्ञान हमने सीखा है जो दूसरे स्थान जाएंगे बहुत ही हल्के स्तर का टेंडेंसी, ये मनोवृत्ति, इन सबको तो लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब ज़्यादा व्यापक अंतर हो जाता है तो वहाँ पर कोई सहयोग नहीं होता, लेकिन विरोध भी नहीं होता, तो हम कहेंगे शून्य अंतरण या जीरो ट्रांसफर कहते हैं इसको। थोड़ा सा उसी की व्याख्या यहाँ पे आ गई है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने में सहायता करता है तो वह धनात्मक अंतरण कहलाता है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण भी कहते हैं। जो भी हम धनात्मक भी कहते हैं और सकारात्मक भी कहते हैं, जो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसका एक नाम ये भी है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। फिर जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों को सीखने के लिए बाधक हो तो वह ऋणात्मक अंतरण कहलाता है या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है या निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं या नकारात्मक भी कह सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव ये भी नाम है, और धनात्मक और ऋणात्मक भी कहते हैं उसी चीज़ को। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता तो शून्य अंतरण कहलाता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण उपरोक्त तीनों प्रकार का हो सकता है। आज हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। आज के अधिगम के बारे में हम संक्षेप में फिर से कह सकते हैं कि अधिगम क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं, इसके द्वारा क्या हो सकता है, और अधिगम कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हमने आज बताया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो बच्चे हमारे क्लास में होते हैं, बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं, तो उनको हम कैसे उनका स्मरण दिला सकें, कैसे वो ठीक से पाठ को पढ़ सकें, कैसे कमज़ोर बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, तो उसको हम क्रमशः छोटे छोटे इसके अंदर थोड़ी में पूरे ज्ञान को कई पार्ट में बांट कर हम पढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं, इनका IQ 120 से ऊपर है, 140 के ऊपर है, उनको हम बड़ा ज्ञान बड़ा नॉलेज दे सकते हैं एक साथ। हमें सौतिक गिनती याद करनी है, छोटा बच्चा है बहुत तेज है तो उसको एक साथ पढ़ सकते हैं। बहुत कमज़ोर बच्चा है तो 1 से 10 फिर 10, 11 से 20 चलेंगे। तेज बच्चा है तो 1 से 50 तक सिखा देंगे उसको। तो हर बच्चे की IQ को देखते हुए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का जो मेरा ये आज विषय था अधिगम के बारे में हमने बताने का प्रयास किया, उसका मूल लक्ष्य यही है कि अधिगम के सिद्धांत को जान करके हम टीचिंग या लर्निंग को और अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ।